कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश भर में मध्य प्रदेश शासन के आदेश मुताबिक नवागत एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में विकासखंड कन्नौत किल कोरोना अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली कन्नौत के शासकीय अस्पताल से मुख्य मार्गों से निकालकर नगर परिषद चौराहे तक रैली में खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी, प्रभांशु सिंह सीईओ जनपद कन्नौत, अविनाश सुड़ानिया नायब तहसीलदार कन्नौत, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिका आदि मौजूद थे। निकालने का उद्देश्य क्षेत्र के को किल कोरोना अभियान के लिए जागरूकता लाना है। बीएमओ डॉक्टर विवेक अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सर्वे दल के द्वारा सभी ग्राम और शहरी क्षेत्र के वार्ड में घर घर जाकर समस्त बीमारी की जानकारी ली जाएगी। कोरोना की महामारी को पूरी तरह भारत से और हमारे क्षेत्र से दूर करने के लिए कोरोना संक्रमितों की जाँच पहचान और घर घर तक जाकर एक परिपत्र को भरने का काम आज से जो जांच दल बनाए गए हैं वो लोग करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में आज ये अभियान एक साथ शुरू होने जा रहा है और इसके अंतर्गत आज अनुविभाग के समस्त अधिकारियों के द्वारा और जो टीम के मेंबर्स हैं इसमें हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी जाँच दल का हिस्सा बने हैं, इन सब लोगों ने नगर के मुख्य मार्ग से एक रैली निकाली है जिससे हमने संदेश दिया है कि आप सब लोग इस जांच अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे तो हम कोरोना को आसानी से हरा पाएंगे। निश्चित ही अभी तक प्रशासन ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज इतने पाए गए थे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में से उसमें से लगभग 90% लोग ठीक होकर अपने घरों तक पहुँच चुके हैं और नया कोई संक्रमण का केस भी पिछले 5-7 दिनों में देखने के लिए नहीं मिला है। मुझे विश्वास है कि लोगों की जागरूकता से, प्रशासन की सक्रियता से हम इस महामारी को अपने क्षेत्र में परास्त कर पाएंगे। पाए जाने के कारण आप सभी संवाददाता चंचल भारतीय की रिपोर्ट।